अच्छा वो कौन होगा जिसका रिटर्न इस साल 2022 के रॉयल रंबल को यादगार बना देगा? अब आपके मन में होगा कि इस साल रॉयल रंबल में कौन शॉकिंग रिटर्न करेगा। ऐसे ही कुछ बड़े सुपरस्टार के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, और बात करेंगे AEW के सुपरस्टार की जिनको लेके रॉयल रंबल में रिटर्न को लेकर रूमर्स आ रहे हैं। अब वीडियो जो कि काफी कमाल की होने वाली है, उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बैल बजा के। लास्ट ईयर रॉयल रंबल की बात करें तो हमें क्रिश्चियन, केन, विक्टोरिया और कार्लीटो जैसे सुपरस्टार दिखाई दिए थे। हालांकि ये ऐसे रिटर्न थे जो उसके बाद नहीं दिखाई दिए। अब देखते हैं इस साल वो कौन से सुपरस्टार हो सकते हैं जो रिटर्न करेंगे और उसके बाद WWE में दिखेंगे। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ कुछ ऐसे सुपरस्टार का भी रिटर्न हो सकता है कि जिन्हें WWE रिलीज कर चुकी है और उन्हें फिर से वापस ला सकती है। तो बात कर लेते हैं कुछ बड़े रिटर्न्स के बारे में। बेले, जुलाई 2021 में बेले परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग के टाइम इंजर्ड हुई थी। उनको नी इंजरी हुई थी जिसके बाद उनको सर्जरी की जरूरत थी। ऑफिशियल्स की साइड से बताया गया कि वो 9 महीने तक रिंग से बाहर रहेंगी। अब अगर ये बात सही है तो बेले इस साल का रसलमेनिया 38 भी मिस कर सकती हैं, और अगर वो रिकवर हो चुकी हैं तो उम्मीद करी जा रही है कि वो इस साल रॉयल रंबल में सरप्राइज एंट्री लेती हुई दिखाई दे सकती हैं। वहीं हाल ही में बेले के रिटर्न को लेकर ट्वीट करा गया है जिसपे खुद बेले ने रिएक्ट करते हुए लिखा, ओ माई गॉड, गुड टू नो, ये हर बार सही होते हैं। अब ऐसा पहले भी देखा गया है कि सुपरस्टार ने टाइम से पहले रिकवर होकर वापसी करी है। अब देखते हैं बेले के केस में ऐसा होता है या नहीं। नेक्स्ट, ब्रॉन स्ट्रोमैन। मॉन्स्टर अमंग मैन ब्रॉन स्ट्रोमैन को WWE ने जून 2021 में कंपनी से रिलीज कर दिया था। उसके बाद उनके हाथ कुछ खास नहीं लगा है, मतलब कि वो अभी भी किसी बड़े प्रमोशन के साथ परमानेंट नहीं जुड़े हैं। अब जब ब्रॉन स्ट्रोमैन रिलीज हुए थे तब भी WWE उन्हें कम प्राइस ऑफर कर रही थी, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमैन नहीं माने थे। बट अब जब वो किसी बड़े प्रमोशन के साथ नहीं जुड़े दिखाई दे रहे हैं तो हो सकता है कि वो WWE के ऑफर को मान लें और उन्हें WWE फिर से वापस ले आए। नेक्स्ट, वीर महान। अब WWE पिछले काफी वीक से वीर महान के रॉ पे रिटर्न के टीजर दिखा रही है, बट वो अभी तक वापसी करते हुए दिखाई नहीं दिए हैं। अब अगर वाकई उन्हें हाल फिलहाल वापसी करनी है तो रॉयल रंबल से अच्छी जगह कौन सी हो सकती है? अक्टूबर 2021 में WWE ने वीर महान को रॉ में ड्राफ्ट कर दिया था, तब से लेके आज तक वो दिखाई नहीं दिए हैं। वहीं ड्राफ्ट में उनको उनके फॉर्मर पार्टनर जिंदर महल और शेंकी से भी अलग कर दिया गया, जिसका कोई रीजन अभी तक समझ में नहीं आया है। अब कहा यह भी जा रहा है कि WWE के पास उनको लेके कुछ बड़े प्लान्स नहीं हैं। नेक्स्ट, आस्का। फॉर्मर वुमेन्स चैंपियन आस्का जुलाई 2021 से एक्शन से बाहर हैं। फरवरी में चाइना के खिलाफ मैच में उनको दांत में चोट आई थी, जिसके बाद उनको सर्जरी वगैरह कराई गई थी। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि उनको कुछ और चोटें भी आई हैं। अब आस्का मनी इन द बैंक मैच में आखिरी बार हमें फाइट करती हुई दिखाई दी थी। अब हो सकता है कि WWE उनकी वापसी रॉयल रंबल में कराने के लिए ही वेट कर रही हो। अगर ऐसा है तो फिर वो यहाँ रिटर्न करती हुई दिखाई दे सकती हैं। नेक्स्ट, रोंडा राउजी। अब ऐसा पहला रॉयल रंबल नहीं है जिसमें हम रोंडा राउजी की वापसी की उम्मीदें कर रहे हैं। इससे पहले भी काफ़ी बार उनको लेकर रूमर्स आए जो कि रूमर्स ही बन के रह गए। अब रोंडा राउजी की वापसी की सबसे बड़ा बैरियर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। कुछ टाइम पहले ही उन्होंने एक बेटी को सेप्टेम्बर 2021 में जन्म दिया है। अब अगर वो पूरी तरह से फिट है तो रॉयल रंबल में वो वापसी करती हुई दिखाई दे सकती हैं। वैसे आपको बता दूं, रोंडा राउजी साल 2019 से WWE से बाहर हैं। वहीं रेसलमेनिया 38 में उनका मैच किसके साथ होगा उसके भी रूमर सामने आ रहे हैं, तो क्या पता इस साल रॉयल रंबल में वो रिटर्न करती हुई दिखाई दे जाएं। नेक्स्ट, लेसी वन। 2021 की शुरुआत में रिक फ्लेयर के साथ उनकी ही बेटी शार्लेट फ्लेयर के खिलाफ फ्यूड में दिखाई दे रही थी। इस स्टोरी लाइन में ही फरवरी 2021 में लेसी ने खुद की रियल लाइफ प्रेगनेंसी को अनाउंस कर दिया था, जिसके बाद से लेसी WWE से बाहर हैं। प्रेगनेंसी की वजह से ही उनका एलिमिनेशन चैम्बर का मैच अनाउंस होने के बाद कैंसिल हो गया था। अब उन्हें बेटी हुई है, जिसके बाद उनको जिम वगैरह में ट्रेनिंग करते हुए देखा गया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि लेसी वन जल्दी वापसी के लिए पूरी तरह से फिट हैं और यही वजह है कि वो रॉयल रंबल में दिख सकती हैं। नेक्स्ट, पेज। अब रॉयल रंबल से पहले पेज ने ये 2 ट्वीट करे हैं। अब आप इस तरह के ट्वीट ऐसे तो ही नहीं कर सकते हैं। पेज लास्ट टाइम दिसंबर 2017 में एक लाइव इवेंट के दौरान इंजर्ड हुई थी और नेक इंजरी की वजह से उनको रिटायरमेंट लेना पड़ गया था। उसके बाद वो हमें 2018 में स्मैकडाउन जनरल मैनेजर के तौर पर दिखाई भी दी थी।
अब WWE में डैनियल ब्रायन और एज ऐसे सुपरस्टार हुए हैं जो खतरनाक इंजरी के बाद भी वापस लौटे हैं, तो हो सकता है कि पेज इस साल रॉयल रंबल में दिख जाएं। अगर ऐसा होता है तो वाकई वुमेन्स डिवीजन में एक बड़ा नाम शामिल हो जाएगा। नेक्स्ट, राइनो। जैसा कि रॉयल रंबल में इस साल इंपैक्ट रेसलिंग के कुछ नाम दिखने वाले हैं, जिनमें केवल अभी तक मिक्की जेम्स का नाम ही सामने आया है, अब मेंस रॉयल रंबल में इंपैक्ट की साइट से राइनो सरप्राइज एंट्री लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। हालांकि इन एंट्री का क्या फायदा होगा वो तो रॉयल रंबल में ही पता चलेगा। वैसे आपको बता दूं, राइनो WWE के सुपरस्टार भी रह चुके हैं। नेक्स्ट, क्रिस मास्टर। क्रिस मास्टर के बारे में पहले भी मैं कवर कर चुका हूं। इन्होंने भी इस साल रॉयल रंबल से पहले अपनी एंट्री को टीज करा है, जिस वजह से माना जा रहा है कि वो यहां रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब जो पहले से WWE देख रहे हैं उन्हें पता होगा क्रिस मास्टर कौन है, और वो मास्टर लॉक के लिए भी काफी चर्चाओं में रहे थे। नेक्स्ट, अंडरटेकर। अब पिछले कुछ दिनों से रूमर्स ऐसे चले आ रहे हैं कि अंडरटेकर रॉयल रंबल में रिटर्न कर सकते हैं, बट मुझे इसके चांसेस कम लग रहे हैं। हाँ, रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि अंडरटेकर रॉयल रंबल को अटेंड कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद वो अपनी वाइफ मिशेल मैकूल को सपोर्ट करने के लिए यहाँ दिख सकते हैं, क्योंकि उनकी वाइफ वुमेन्स रॉयल रंबल मैच में दिखने वाली हैं और उनकी जगह भी फाइनल हो चुकी है। मुझे नहीं लगता है कि वो रिंग में रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे। वहीं आपको शॉर्ट में ये भी बता दूं कि ब्रे वाइट के रिटर्न को लेकर भी रूमर सामने आ रहे हैं, जिन्हें WWE ने लास्ट ईयर कंपनी से रिलीज कर दिया था। अब हम रिलीज के बाद काफी सारे सुपरस्टार को फिर से WWE में वापस आते देख चुके हैं। देखते हैं ब्रे वाइट के केस में ऐसा होता है या नहीं। वहीं अब बात कर लेते हैं AEW के बारे में, या उनके जुड़े कुछ सुपरस्टार के बारे में, CM Punk, डैनियल ब्रायन और जॉन मॉक्सली जैसे AEW के बड़े सुपरस्टार के बारे में, जिनके इस साल रॉयल रंबल में दिखने के काफ़ी र्यूमर्स सामने आ रहे हैं। र्यूमर्स का मानना है कि ये ठीक उसी तरह होगा जैसे कि WWE में इम्पैक्ट के कुछ सुपरस्टार दिखने वाले हैं। र्यूमर्स कह रहे हैं कि ऐसा ही कुछ WWE और AEW के बीच भी हुआ है। और तो और, हाल ही में स्मैकडाउन के एपिसोड में सेथ रॉलिंस ने अपने पुराने पार्टनर डीन एम्ब्रोस, जो कि आजकल AEW में जॉन मॉक्सली के नाम से दिखते हैं, उनका नाम भी लिया था, जिसके बाद ये भी साफ हुआ है कि उनका नाम स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था। मतलब कि WWE ने प्रोमो जो लिखवाया है उसमें जॉन मॉक्सली का नाम वाकई मौजूद था, जो कि वाकई एक चौंकाने वाली बात है। तो कहीं WWE ने इशारा तो नहीं करा है। अब देखते हैं रॉयल रंबल में कुछ बड़ा और हटके दिखता है या नहीं। वैसे आपको बता दूं, रिपोर्ट्स और रूमर्स दावा कर रही हैं कि इस साल रॉयल रंबल में फैंस को कुछ हटके दिखेगा। अब हटके AEW के सुपरस्टार ही दिखाई दे सकते हैं। अब आई थिंक वुमेन्स में 9 और मेन्स में 8 एंट्री खाली हैं। अब देखना होगा कि WWE इनमें से कितने नंबर पर सरप्राइज रिटर्न कराती है। वैसे इस बार वुमेन्स रॉयल रंबल में कुछ बड़े नाम रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इस साल इनमें से किसके चांसेस हैं सबसे ज्यादा रिटर्न के, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।